नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 80 न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी के आवास पर। आइए उनसे करते हैं कुछ खास बातचीत। चलो हो गया ना, वैसे तो चलो। पानी पानी, अरे पानी ले आ, जग में ले आ यार। बहुत अच्छा जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मधु वत्स का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने स्वयं का इनिशिएटिव लेकर के और मेरे आवास पर भी इस वृक्ष को लगवाया। और जहाँ तक वृक्षारोपण की बात है, धरती को जी बचाना है तो वृक्षारोपण करना जरूरी है। पानी को धारण करने की क्षमता धरती की घटती चली जा रही है, इसके कारण से सारा जो वर्षा का जल है वो कहीं भी रुके बगैर सीधे समुद्र में पहुंच जाता है नदियों के माध्यम से। और आज पानी के जो टेबल्स हैं वो नीचे नीचे निरंतर गिरते जा रहे हैं। पेयजल की समस्या पैदा हो रही है, खेती के लिए जल की समस्या पैदा हो रही है। तो इसलिए धरती यदि पानी रोक पाए तब ये संभव है, और रोकेगी तब जब तालाब भी हो और सबसे ज़्यादा वृक्ष इसका माध्यम होता है। अब जैसे गंजा सिर होता है, गंजे सिर पर पानी डालो तो कहाँ टिकता है, लेकिन बालों वाला सर हो तो उस पर पानी डालो, पानी टिका रहता है उसके ऊपर, तो वहाँ से वो नीचे तक पहुँच जाता है। बड़ा सरल उदाहरण है। तो हमने धरती को अपनी लापरवाही से या विकास का जो मॉडल हमने स्वीकार किया उसकी कुछ मजबूरियाँ नहीं होंगी, हमने ध्यान नहीं दिया उस समय, हमने पृथ्वी को गंजा कर दिया है। हमें बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में जहाँ भी जगह खाली हो वहाँ पर वृक्ष लगाने की ज़रूरत है। और इससे अधिक मैं समझता हूँ वृक्षारोपण के संबंध में हम इससे अधिक कहना उचित नहीं है, करना उचित है। जो कोई भी जहाँ भी संभव हो वहाँ वृक्ष जरूर लगाए। वैसे पुराना विषय हो गया, 23 में वो परिणाम आया, तभी इस संबंध में लोगों ने राय भी ली थी, मैंने बधाई भी थी, खुद भी बधाई थी। लेकिन चलिए आज आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। मेरी कुछ देखिए, विकास का काम अनवरत चलता रहता है। सड़क बन जाएगी, दूसरी सड़क की जरूरत पड़ेगी तो वो काम तो चलता ही रहेगा। लेकिन इसके बाद भी जो मैंने अपनी प्राथमिकताएँ तय की हैं, उसमें एक तो मेरठ शहर के अंदर सॉलिड वेस्ट का जो निस्तारण नहीं हो पा रहा है वो ज़रा ठीक से हो। मैं संबंधित अधिकारियों से इस मामले में मिल भी चुका हूँ, और सत्र समाप्त होने के बाद लोकसभा का मैं उसके ऊपर, जिसे कहते हैं मिशन मोड में, मैं लग करके काम करूँगा। दूसरा, पानी की समस्या बहुत बड़ी है। हमारी सरकार ने अलग से जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया है, तो तालाब साफ हो, नदी साफ हो, उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट मंजूर भी हुआ 682 करोड़ का काली नदी के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के आज जो मेरठ, जो गंगा यमुना का दुआबा है, यहाँ पर पानी का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है, बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो वो तभी संभव है जब रिचार्जिंग की व्यवस्था हो। रिचार्जिंग व्यवस्था के लिए तालाब साफ होना चाहिए, जो नदियाँ हैं वो साफ होनी चाहिए, उनकी धारण क्षमता बढ़नी चाहिए, वृक्ष लगाए जाने चाहिए, इस विषय को साथ लेकर। उसके अलावा यदि देखें जो पुराने जो एजेंडे चले आ रहे हैं, जो दो एजेंडे बहुत महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि से, एक तो हाईकोर्ट की बेंच का मुद्दा है, और दूसरा जो कैंटोनमेंट का जो क्षेत्र है उसकी जो समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया, रक्षा मंत्री जी ने बैठकें की हैं दो बार, उसकी एक कमेटी बनाई गई है, परंतु अपने अंजाम तक पहुँचे, परिणाम तक पहुँचे, वहाँ के जो निवासी उनको राहत मिले, ये मेरे कुछ काम हैं। बाकी तो और भी बहुत सारे काम हैं छोटे बड़े, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इस क्रम में हम लोग कोशिश करेंगे कि नया जो कार्यकाल हम लोगों का आशीर्वाद से मिला है।